अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान इजहान और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नाजिन, आज मैं आपको एक नहायत ही अहम मालूम से आगाह करूँगा। मुझसे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब में कमेंट्स के जरिए आवाम पूछ रही है कि कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर मिलते हैं। इस हवाले से मैं नहायत ही अहम मालूम आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिससे मैं आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करूंगा कि YouTube के कितने व्यूज पर कितने डॉलर मिलते हैं, यानी कि 1000 व्यूज पर कितने डॉलर मिलते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको तफसीली बात बताने से पहले सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि YouTube की इनकम आहेराती कितनी है और नए यूट्यूबर्स किस तरीके से ये पैसे कमा रहे हैं और कमाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नाजरीन, ये सिर्फ इतना नहीं होता कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया और 4000 घंटे वाइट टाइम मुकम्मल कर दिया और जो है आपने पैसे स्टार्ट करना शुरू हो गए। ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। आपका जब 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा, 4000 घंटे वाइट टाइम होगा, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका चैनल रिव्यू में चला जाएगा, यूट्यूब की टीम इसे चेक करेगी और चेक करने के बाद अगर आपने किसी की कोई मवाद कॉपी राइट, यानी सिंपल अल्फाज में बताऊँ, अगर किसी का कोई मवाद चोरी करके इसमें नहीं लगाया तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। यानी कि आपका कंटेंट अपना हो, आपकी वीडियोस अपनी हो, आपकी आवाज़ अपनी हो, तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है तो इस हवाले से भी आपका चैनल फिर मोनिटाइज नहीं होगा। या अगर रिव्यू में जाकर पता चल गया यूट्यूब को इन्होंने रीयूज कॉन्टेंट यूज़ किया है तो फिर भी आपका चैनल जो है मोनिटाइज नहीं होगा। अगर नाजरीन आपका लक अच्छा हो और आपकी किस्मत अच्छी हो, आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है तो ये भी फिर उसके बाद मोनिटाइजेशन के बाद ये नहीं होता कि आप डॉलर्स में खेल रहे हैं और आपके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है, ऐसा नहीं होता। सिंपल मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई कहीं पे किसी कॉलेज पे या कहीं किसी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो पहले आप अपने नंबर शो करेंगे, कुछ दिखाएंगे उन्हें कि ये मेरे नंबर हैं, ये मेरी डिग्रीज वगैरह हैं और इस नंबरों से मैंने पास हुआ हूँ, मैंने पेपर इस पोजीशन में पास की है, तो उसके बाद जाकर आप इस स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई करेंगे और आपकी स्कॉलरशिप जो है चल जाएगी। इसी तरह यूट्यूब का भी यही सिस्टम है कि आपने पहले नंबर बताने हैं उन्हें, यानी कि व्यूज आने हैं, आपकी चैनल पे ट्रैफिक आएगी, उसके बाद जो है आपको अर्निंग होगी। और अर्निंग ऐसे भी नहीं है कि आपने बस वीडियो फेंकी और डॉलरों की बारिश होगी एक व्यू में, वो यूट्यूब की वीडियोज वगैरह आप देखते होंगे पैसों की बारिश और छप्पड़ फाड़ के पैसे और अपनी वीडियो वायरल करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कम से कम 1000 वीडियोस तक, 1000 वीडियोस आप अपने यूट्यूब में अपलोड करेंगे, उसके बाद समझ लें कि उसमें से जो है कुछ चंद वीडियोस जो है ना देखने में आएंगी, लोग उसे देखेंगे, पीछे से आपके व्यूज बढ़ते जाएंगे, आगे आप अपलोड करते जाएं पीछे आप पीछे से व्यूज बढ़ते जाएंगे तो तब जाकर आपकी कोई इनकम होगी। पहली इनकम तो आपके जब $100 होने हैं उसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी, अकाउंट $10 जब आपके YouTube में जो वैलेट है YouTube का उसमें अगर जमा होंगे $10 तो उसके बाद आपके बैंक का ऑप्शन आएगा, उस बैंक का फिर आपने अकाउंट नंबर लगाना है, अकाउंट नंबर लगाने के बाद उसके बाद जब $100 मुकम्मल होंगे तो तब पहली इनकम आपके सॉरी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जो है ना चली जाएगी। अब बात करते हैं नाजरीन के कितने व्यूज पर कितने डॉलर मिलते हैं या 1000 व्यूज पर कितने डॉलर मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, 3000 व्यूज आपके आएंगे, वीडियो की लेंथ हो 5 से 5.5 मिनट और 3000 व्यूज उस पर आए तो फिर आपका जाके $1 कंप्लीट होगा। उस $1 में से भी YouTube ने अपनी कमीशन काटनी है, समझ आई बात की। यानी कि 3000 व्यूज आएंगे 5 से 5.5 मिनट की वीडियो पर तो फिर $1 आपको मिलेगा, $1 में से YouTube अपनी कमीशन काटेगी और बकाया जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आएंगे। हर महीने की 19 से 21 तारीख तक आपके अकाउंट में पेमेंट जो है वो आपकी तनख्वाह भेज देगी YouTube, ठीक है। इधर तक तो समझ आ गई। अब मैं अगला स्टेप बता दूं, आप सोच रहे होंगे मेरी इस बात से कि 3000 व्यूज एक वीडियो पर कैसे आएंगे, मुश्किल नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। आपकी एक वीडियो पर 10 व्यू आ गए, दूसरी वीडियो पर 5 व्यू आ गए, तीसरी वीडियो पर 150 व्यूज आ गए, ये सब वो अकाउंट कर रहा है, यूट्यूब खुद से अकाउंट कर रहा है। एक महीने के बाद उन्हें कैलकुलेशन करनी है इसकी व्यूज की, यानी कि एक महीने में अगर आपकी 30 वीडियोज हैं और एक एक व्यूज आया तो वो 30 व्यूज की जो इनकम होगी ना वो आपको मिल जाएगी। लेकिन पहले तो $100 तक तो सोचे भी ना कि $100 कंप्लीट होने तक यानी कि आपके अकाउंट में कोई पैसे आएंगे, नहीं, पहले $100 मुकम्मल करेंगे, $100 के बाद आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा, जो $100 की इनकम है
वो आपके डॉलर बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी। और ये भी जो है ना ज्यादातर यूट्यूब्स में यूट्यूबर्स हजरात के साथ ये हो रहा है कि उनकी जब 100 डॉलर मुकम्मल होते हैं तो वो 100 डॉलर कंप्लीट होने के बाद 3 महीने बाद पहले इनकम आती है, यानी कि 100 डॉलर मुकम्मल हो गए हैं 3 महीने बाद आपकी वो पहली इनकम जो है यूट्यूब आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। बात की समझ आ गई? तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है। लेकिन वीडियोस की लेंथ जो है आप कोशिश करें कि 5 से 5.5 मिनट की वीडियो, 5 मिनट से कम ना हो। 5 मिनट से कम होगी वीडियो यानी कि 4 मिनट की होगी तो फिर 4,000 व्यूज फिर डॉलर आपको मिलेंगे। अगर लंबी होगी वीडियो यानी कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियोज होगी तो फिर आपको 1,500 व्यूज पर 1 डॉलर मिलेगा। तो ये नाजरीन यूट्यूब की जो है मुकम्मल सिचुएशन, मुकम्मल मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और मेरा चैनल यार सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जो है ना मुझे भी, मैं भी आप ही की तरह नया यूट्यूबर हूँ, चले कोई हेल्प सपोर्ट हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर यह है कि इंशाल्लाह हमारी मालूमात जेन्युइन होती है, जेन्युइन, इसमें कोई फ्रॉड नहीं, कोई धोखे वाली बात नहीं होती। अगर कोई रिपोर्ट देंगे वो भी आपको जेन्युइन देंगे, अगर कोई आपको मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे वो भी इंशाल्लाह हकायक पर मबनी मालूमात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।